आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कशन करा था कि ओवरऑल ये स्टॉक अभी ह्यूज कंसोलिडेशन में ट्रेड होते हुए दिख रहा है, और ओवरऑल हमने देखा कि ये स्टॉक पास्ट में भी अंडर परफॉर्म ट्रेड होते हुए दिखा है। रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो ओवरऑल डिलीवरी अभी भी देखेंगे तो इस स्टॉक में मोर देन 50% तक की बाइंग दिख रही है। हालांकि पिछले लगभग 3 मंथ से ये स्टॉक कंसोलिडेशन फॉर्म में ट्रेड हो रहा है, वहीं पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 15% और 2 ईयर का रिटर्न अराउंड 400% के आसपास का रहा है। पर्सनली मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को लॉन्ग करने की गलती नहीं करे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन 7.50 रुपये का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर के क्लोजिंग पे पहला टारगेट इस स्टॉक में 11 रुपया और दूसरा टारगेट 18-20 तक का सियोरली दिखने वाला है, और स्टॉप लॉस इस स्टॉक में 5 रुपया 50 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस को सियोरली फॉलो करना है।